एक बुक पढ़ी आप लोगों ने, रिच डैड पुअर डैड। यस सर। एक है अमीरों की सोच, एक है गरीबों की सोच। जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही आप बन जाओगे। और सोच एक बार अमीरों की हो गई, अमीरों की सोच क्या है? अरे बहुत रास्ते पैसा कमाने के, सही जेन्युइन रास्ते बहुत है, अनलिमिटेड है। सिर्फ आदमी का दिमाग खुलना चाहिए, सिर्फ माइंड में यह होना चाहिए हाँ ऐसे रास्ते हैं। आए तो सही, यही नहीं आता, ये आ गया तो चीजें दिखने लग जाएंगी, हजारों रास्ते दिखने लग जाएंगे। फिर उन रास्तों में से आप देखोगे आपकी स्ट्रेंथ से क्या कनेक्ट हो रहा है, फिर उन रास्तों पर चलोगे और कमा लोगे, उसमें क्या बड़ी बात है? अरे लोग कमा रहे हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। और फिर ऐसे इस रास्ते से चल करके जब आप कमा लोगे तो आपको गंवाने में भी डर नहीं लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं जब मैं इस बारे में बात करता हूँ ना, वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं यार आप एक तरफ तो बात करते हो अपने डिजायर को बढ़ाने की, दूसरी तरफ से आप बात करते हो कि डिजायर ही प्रॉब्लम है, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। तो करें क्या? थोड़ा सा ध्यान दे करके इसको समझना कि कौन सा डिजायर सबसे बड़ा होना चाहिए और कौन सा डिजायर होना ही नहीं, कौन सा डिजायर है जो हमको बांध देता है और कौन सा डिजायर है जो हमको आजादी की तरफ ले जाता है। एक डिजायर है अपने आप को अंदर से स्ट्रांग बनाने का डिजायर, अपने पोटेंशियल को बढ़ाने का डिजायर। मतलब कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस से पैसा कमाने का डिजायर नहीं, एक अच्छा बिजनेसमैन बनने का डिजायर। अच्छा बिजनेसमैन मतलब क्या? किसी भी फील्ड में अच्छे हो, उसका मतलब क्या कि आपको समझ आ जाए कि जो लोग हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं, वो क्या चाहते हैं। इतना सिंपल है। अच्छे बिजनेसमैन का मतलब क्या है, एक सक्सेसफुल इंसान का मतलब क्या है, एक सक्सेसफुल इंसान की सोच क्या है, उसको समझ आ रहा होता है कि सामने वाला क्या चाहता है, वो उसकी नीड को समझ पाता है। कि अगर आप एक छोटा सा बुटीक चला रहे हो, मान लो यहाँ पर कोई फीमेल है, उसने फैशन डिजाइनिंग करी किसी लोकल इंस्टीट्यूट से और अपना बुटीक खोल दिया, और आप समझ पा रहे हो कि जिस एरिया में आपका बुटीक है, जिस तरह के लोग आपके पास में आ रहे हो, उनको आपसे क्या चाहिए, और उनको आप सेटिस्फाइड मत करो, उनको डिलाइट कर दो कि वो जब आपके बुटीक से निकल करके जाए वो लेडीज, तो वो पागल हो जाए, वो कहें कि मजा आ गया। तो आपका बुटीक चलेगा या नहीं चलेगा? दौड़ेगा ही दौड़ेगा। ये रास्ता है अपने आप को बेटर बनाने का, अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाने का, अपनी सर्विसेज को बेटर बनाने का, अपनी पर्सनालिटी को बेटर बनाने का, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर बनाने का, अपने कॉन्फिडेंस को बेटर बनाने का। यहां पर कोई ट्रैप नहीं, क्या ट्रैप है बताओ? आप बेटर बनोगे आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो आपको काम आएगा ही ना। अगर आपने अपने आप को बेटर बना लिया, मान लो इमीडिएटली काम नहीं भी आया, कभी ना कभी तो आएगा ही, आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे काम आ जाएगा, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, कैसे ना कैसे आ जाएगा। ये एक है। दूसरा डिजायर क्या है? कि हम काम को जरिया समझे पैसा कमाने का। ये खतरनाक। अब आपका ध्यान काम से हट गया, पैसे पे चला गया। आपने एक काम शुरू किया, दो महीने तक पैसा नहीं आया, क्या होगा? रोने लग जाओगे। और थोड़ा सा पैसा आ गया तो क्या होगा? उस पैसे से चिपक जाओगे। आप समझ गए? आपका मकसद क्या था? आपका मकसद उस काम में एक्सीलेंस को अचीव करना नहीं था, पैसा कमाना था। पैसा आ गया, अब क्या करोगे? उस पैसे को उड़ाओगे। Please click on the subscribe button and on the bell icon for our latest videos and updates.